ये कहानी है एक गांव अधिकपुर की। एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहते थे। सभी लोग सब्जियां और फल बेचकर अपना जीवन गुजारते थे। उनमें से थी एक चंपा बाई। वो अकेली रहती थी, वो भी फल बेचकर अपना जीवन जीतती थी। एक दिन, अरे क्या बात है, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है, चलो जाकर देखती हूँ। अरे भैया क्या बात है, सब्जियां बेचने नहीं जाना है क्या? का बताए चंपा भाई, सरकार ने हमार बस्ती ठाकुर को बेच दी है। क्या? हाँ, और हम सबको बस्ती खाली करन को भी कहे हैं। अरे हाँ, हम सब इकला ने ही परेशान हो रखे हैं। अरे नहीं भैया, हम सबको तो सरकार के पास जाना चाहिए और हम सब साथ मिलकर सरकार के पास चलते हैं और बात करते हैं। ठीक कह, तो चलो भाइयों, हम सब सरकार के पास चलते हैं। क्योंकि हम सब इस जमीन में सालों से रह रहे हैं, हम इसे कैसे छोड़ देंगे। ठीक है चलो, हम सरकार के पास चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते चंपा भाई, आज कैसे यहाँ आना हुआ? सर आप लोगों ने हमारी जमीन ठाकुर को बेच दी है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? अरे चंपा भाई, ये सब सरकारी मामला है और मैं ठहरा एक छोटा सा सरकारी बाबू, मैं कैसे जवाब दूँ? नहीं का बाबू, आपको तो जवाब देन पड़ है, आप कैसे जवाब नहीं दो? हम सबको बस्ती खाली करन को कह दे हो और कह तो जवाब नहीं दे हो, आपको जवाब देन पड़े। देखिए आप सब यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। चलिए भैया हम सब चलते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। अब का करे बहन, हम सब ठाकुर के पास चल के एक बार बात करते हैं। ठीक कह तो चलो। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते, बोलो क्या काम है? ठाकुर साहब आपने हमारी जमीन खरीद ली है, हमारा गांव खरीद लिया है, कम से कम हमें इस गांव में रहने तो दीजिए, हम कहाँ जाएंगे? देखो मैंने ये जमीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाने के लिए खरीदी है, तुम जैसे छोटे मोटे लोगों के रहने के लिए नहीं। अब तुम लोग यहाँ से जल्दी चले जाओ और बस्ती खाली कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निकलो यहाँ से सबके सब। अब सभी लोग धीरे धीरे करके बस्ती खाली करने लगे, कोई जंगल में रहने के लिए चला गया तो कोई फुटपाथ पे। बच गई चंपा बाई और कुछ लोग, लेकिन चंपा बाई अपना जीवन वैसे ही गुजार रही थी। एक दिन, अरे आज तो ज्यादा फल नहीं बिके, थोड़े से ही फल बिके हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, घर चलती हूँ। मेरी कोई मदद करो बेटा, मुझे खाना खिला दो। अरे 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 माँ जी, आपको क्या हुआ माँ जी? बेटा मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। कोई बात नहीं माँ जी, लीजिए मेरे ये फल खा लीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जी माँ जी, माँ जी लीजिए आप ये पानी भी पी लीजिए। ठीक है बेटा। बेटा ये लो, ये माँ दुर्गा की मूर्ति है, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तुम बहुत भक्ति से इनकी पूजा करना। ठीक है माँ जी। तब चंपा बाई मूर्ति लेके अपने घर चली गई। घर जाके उन्होंने मूर्ति की स्थापना के लिए घर की साफ सफाई करने लगी। अरे चंपा बहन, जे इतने दिन भर से सब्जी बेच के फल बेच के आके साफ सफाई क्यों करत हो? अरे भैया कल से नवरात्रि चालू हो रही है, मुझे दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना करनी है। अच्छा, हम भी करा देते हैं साफ सफाई। ठीक है भैया। कुछ गांव वालों ने मिलकर चंपा बाई की मदद की, अपने घर में अच्छी तरह से दुर्गा माँ की स्थापना करके सेवा करने लगे। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए। चलो देखकर आता हूँ कि गांव वालों ने बस्ती खाली करी कि नहीं करी। वो ठाकुर बस्ती देखने के लिए आया और माँ दुर्गा का आखिरी दिन कल था। तभी ठाकुर ने आकर देखा, अरे यहाँ पर तो कुछ लोगों ने बस्ती खाली कर दी है और कुछ लोग अभी तक खाली नहीं किए हैं। मैंने कहा था ना चंपा बाई कि मैं आऊंगा, आपने अभी तक बस्ती खाली नहीं की, मैं सारी बस्ती तुड़वा दूंगा।
अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे ऊपर दया करो। चंपा भाई। ठाकुर साहब ठीक है, दो दिन रुक जाओ, नवरात्रि चल रही है। नहीं चंपा भाई, मैं तो बस्ती तुड़वा के रहूंगा। भाई मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं अपने घर को टूटते हुए ऐसे नहीं देख सकती। ए बस दूर जाओ, जाकर ट्रक लेके आओ और घर तोड़ दो। जैसे ही मजदूर ने ट्रक से घर तोड़ने की कोशिश की तो घर टूटने की वजह ट्रक ही टूट गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा ट्रक एक छोटे से घर से कैसे टूट गया? मुझे तो ये चंपा भाई चुड़ैल लगती है, मैं इसके घर जाकर देखता हूँ। अरे ये तो दुर्गा जी के सामने बैठ के पूजा कर रही है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। रुको मैं इसको अभी बताता हूँ। रुक जा ठाकुर, तूने मेरे भक्त को मारने की कोशिश की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ मुझे माफ कर दो, माँ माँ मुझे माफ कर दो, मैं अच्छी तरह से समझ गया माँ, मुझे माफ कर दो माँ। चंपा बहन मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब आपकी बस्ती आपको खाली नहीं करनी पड़ेगी चंपा बहन, ये बस्ती में कोई मॉल, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बनवाऊंगा। मुझे माफ चंपा बहन, मैं आप सभी को पक्के घर बना के दूंगा। शुक्रिया ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ठाकुर सभी बस्ती वालों को पक्के घर बना के देता है और सभी गाँव वाले खुशी खुशी अपना जीवन फिर से जीने लगते हैं।